क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी आरएससीईआरटी का एक एग्ज़ाम हुआ है, जो आज का एग्ज़ाम है, जो आज 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है 21 में। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास में एक बी सीरीज का यहाँ पे एक मेरे पास में क्वेश्चन बैंक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी अभी यहाँ एग्ज़ाम हुआ है जो उसका मेरे पास आया है, और मैं आपको इसकी आंसर की आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप लोग देखो क्या है कि यहाँ पे जो ए दिया हुआ है, ए जो आंसर है, इस ए सीरीज का जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, लेकिन आप किसी का भी कर सकते हो। मैं क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू आंसर सहित बता रहा हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने की एक मंच प्रदान करता है। यहाँ पे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंप्यूटर ड्राइव्स कंप्यूटर हार्डवेयर एक्ट द प्लेटफॉर्म ऑफ रनिंग अदर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका राइट जवाब है। दूसरा है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर इसका राइट जवाब होगा। विच इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, ये होता है डायनेमिक रैम। विच इज ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज रिफ्रेश्ड सेवरल मिनट पर सेकेंड, इसका राइट आंसर होता है डायनेमिक रैम। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे फोर्थ नंबर की, तो निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी वॉलेटाइल प्रकृति की होती है, इसका राइट जवाब रहता है रैम। यहाँ पे लिखा है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज ऑफ द वॉलेटाइल नेचर, ये आपका राइट जवाब रहने वाला है। यहाँ पे ये रहेगा आपका रॉ, यहाँ पे राइट जवाब है रैम। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका आने वाला है, निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, विंडो एक्सपी, इसमें से राइट जवाब रहेगा 5 नंबर वाले का। यहाँ पे लिखा है 6 नंबर, एक खाली स्थान उस डिस्क पर नामित स्थान जहाँ पर फाइल संग्रहित होती है, इसका राइट जवाब फोल्डर होता है। ए इज द नेम्ड लोकेशन ऑन ए हार्ड ऑन द डिस्क वेयर फाइल आर स्टोर्ड, फोल्डर इसका राइट जवाब है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपसे वेब 7वें नंबर की, वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं, इसका राइट जवाब होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो वेब ब्राउजर होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेब ब्राउजर, इसका राइट जवाब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें 8 नंबर की, इनमें से कौन सर्च इंजन का उदाहरण है, गूगल इसका राइट जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, गूगल इसका राइट जवाब होगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास एक, ओटीपी का पूरा नाम, ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, यहाँ पे आपका राइट जवाब होने वाला है। इसके बाद आता है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, क्रेडिट कार्ड इसका राइट जवाब है, सभी मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट का कौन एग्जाम्पल नहीं है, उसका राइट जवाब यहाँ पे रहने वाला है क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण नहीं है, यह है फ्लिपकार्ट, इसका सही जवाब है। ट्विटर है, फेसबुक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सभी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट इसका राइट जवाब होगा। इसके बाद आता है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है, ये B2C में होता है, विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑनलाइन शॉपिंग B2C, इसका राइट जवाब है। इस तरीके से 12 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। इसके बाद में आते हैं 13 नंबर पे, EPDS प्रणाली के संदर्भ में, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या होगा, इसका राइट जवाब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPL इन द इनकरेक्ट ऑफ EPDS सिस्टम, तो इसका होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके बाद है, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं, टोटल होते हैं 12। हाउ मेनी डिजिट्स इन इंक्लूड आधार कार्ड नंबर, 12 नंबर का होता है आधार कार्ड का जो अंक होता है। भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है, वो है राजस्थान। ठीक है, भामाशाह कार्ड इज एन मेजर इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट, राजस्थान। इसके बाद में बात करते हैं 16 नंबर, एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है, ई मित्र से, सिंगल साइन ऑन और यूनिवर्सिटी पोर्टल्स, यानी सभी से कर सकता है। हाउ ए सिटीजन कैन पे यूनिवर्सिटी फीस थ्रू ऑनलाइन मोड, वो सभी से कर सकता है, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ एबोव। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम
निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? राइट जवाब है यूआईडीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज इशू आधार कार्ड? यूआईडीएआई, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद आता है आठ आठ नंबर, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का पूरा नाम, ये होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। इन द कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेशन विच इज मंथ ऑफ मीन्स बाई पीएसके, पासपोर्ट सेवा केंद्र इसका सही जवाब है। इसके बाद निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है, आप ध्यान रखना, यहाँ एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज सभी होते हैं, यहाँ लाइनेक्स नहीं होगा। और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल इज नॉट ओएस, और ये लाइनेक्स ओएस नहीं होगा, ये कंप्यूटर के लिए होता तब तो आता, यहाँ पे ये इसका सही जवाब है। इसके बाद नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सी स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होता है? पैटर्न, पिन और पासवर्ड सभी होते हैं, इसके सभी राइट जवाब हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं 21 नंबर की, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर को दाई ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हो? देखो होता क्या है इसमें, अधिकतर ने क्या बैक स्पेस किया होगा, सबको बैक स्पेस याद होता है, लेकिन इसने बोला है, मैंने लिखा है BRIGHT, इसमें मेरा कर्सर यहाँ है, यह इसका लेफ्ट साइड होगा, ये इसका राइट साइड होगा। अगर मैं यहाँ रहते हुए लेफ्ट साइड डिलीट करूंगा तो इसका रहेगा बैक स्पेस, लेकिन यहाँ से राइट साइड वालों को डिलीट करूंगा तो रहेगा डिलीट, तो यहाँ इसका राइट जवाब डिलीट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान देना है इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदल सकते हो? बाई यूजिंग विच ऑफ द फॉलोविंग यू कैन चेंज द मोड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। सही जवाब आपका होगा सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग वर्कशीट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वर्कशीट की एक स्थान की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वुड यू यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ ए वर्कशीट एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग टू अनदर लोकेशन? राइट जवाब यहाँ पे आने वाला है डी, स्टैंडर्ड टूल बार उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन, फॉर्मेट पेंटर बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूलबार, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद है पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी पेस्ट करने की सुविधा देता है, तो ये है सही जवाब, एक कॉपी वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीपल करने के लिए, यानी कि ए इसका राइट जवाब रहेगा। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कमांड प्रोवाइड योर कॉपी एंड पेस्ट, पहले बिल्कुल सही जवाब फर्स्ट यहाँ पर रहेगा। इसके बाद है एक फॉर्मूला बनाने के लिए इनमें से आप किसका उपयोग करेंगे? यहाँ पे सही जवाब है सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन यूज मेक ए फॉर्मूला, फॉर्मूला बनाने के लिए इन सेल वैल्यू एंड सेल रेफरेंस दोनों ही चाहिए होते हैं, तभी एक फॉर्मूला बन के क्रिएट होता है। इसके बाद आता है एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? ये तीनों किए जा सकते हैं, इसका राइट जवाब उपरोक्त सभी होगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्लाइड शो में निम्न क्या चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए इफेक्ट कहलाता है, यानी कि एक स्लाइड शो जब आप चलाते हो तो उसमें जो एक एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे इफेक्ट होता है वो स्लाइड ट्रांजिशन होगा, यानी कि ऑन द स्लाइड चेंज इन स्लाइड शो फॉर डिस्प्ले द अप्लाइड इफेक्ट इन कॉल, तो यहाँ पे आएगा स्लाइड ट्रांजिशन। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन में विद्वान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए इनमें से क्या उपयोग करेंगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज टू गेट ए सिमिलर डिस्प्ले ऑफ ऑल स्लाइड्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंटेशन? तो इसका राइट जवाब आपका होगा डी होगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। इसके बाद आता है 29 नंबर, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइबर थ्रेट्स, ये होगा ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इसका सही जवाब होगा। इसके बाद आ जाते हैं निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की सिस्टम फाइलों अनइंस्टॉल जो एप्लीकेशन है विंडो रजिस्ट्री है सिस्टम सेटिंग्स सहित को पिछली बार के समय में वापस रिट्राइव कर देता है, वो होगा सिस्टम रिस्टोर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू रिस्टोर योर कंप्यूटर स्टेट इंक्लूडिंग सिस्टम फाइल्स एंड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन विंडोज रजिस्ट्री सिस्टम सेटिंग्स टू रिट्राइव प्रीवियस टाइम्स? तो इसके लिए आपको रहेगा सिस्टम रिस्टोर, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट रहेगा ईमेल में जो BCC होता है इसका पूरा नाम क्या है? इसका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका सही नाम है BCC का। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है VGA कितने पिन की होती हैं? हाउ मनी पिन्स फाउंड इन VGA केबल्स? 15 पिन की होती है VGA केबल जो होती है, राइट जवाब 15।
निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्ड कॉपी प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी फ्रॉम कंप्यूटर? तो इसका सही जवाब आपका प्रिंटर रहने वाला है। इसके बाद में बात करें नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क के प्रकार में है उपरोक्त सभी रहेगा हैं, ऑल ऑफ अबाउट। टाइप ऑफ नेटवर्क एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये सभी सही जवाब है। इसके बाद आता है पीडीएफ का पूरा नाम क्या होगा? पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसके सही जवाब है। इस तरीके से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका जो पेपर है ये, इसमें आपके 35 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन दो नंबर, टोटल 70 का होगा। और अगर 14 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं और एक क्वेश्चन दो नंबर, यानी कि 28, यानी कि पास जो मार्क हैं आपके वो आपके लाने होंगे, 28 नंबर होने चाहिए और आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप बिल्कुल पास हो जाओगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के 14 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गए होंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। चलो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय।